आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के खिलाफ फिर से चीन की जो चाल है वो बेनकाब हो गई है। एशियन गेम्स से पहले चीन की कायराना हरकत देखने को मिली है। देखिए, चीन ने 3 भारतीय खिलाड़ियों को एंट्री नहीं दी, अरुणाचल के खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया और चीन की हरकत पर भारत ने सख्त एक्शन लिया है। अनुराग ठाकुर ने चीन का जो अपना दौरा था उसे रद्द कर दिया है और एशियन गेम्स के लिए चीन जाने वाले थे अनुराग ठाकुर जिस तरीके से, और अब ये कड़ा रुख भारत की तरफ से देखने को मिला है। और चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी अभिषेक। अभिषेक, ये दूसरी बार है जब खिलाड़ियों के साथ ऐसा रवैया देखने को मिला है चीन का। कहीं ना कहीं अब नहीं लगता है कि कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा भारत को और एक कड़ा संदेश देने की जरूरत है ऐसी कायराना हरकत पर चीन को? बिल्कुल, देखिए बड़ी बात यह कि अरुणाचल से जुड़ा हुआ मामला है, अरुणाचल से बिलोंग करते हैं ये खिलाड़ी और चीन लगातार अरुणाचल के, जब अरुणाचल की बात आती है तो वहाँ इस तरह की चीज़ें करता है। जो स्टेपल्ड वीज़ा की बात है वो भी आप जानती हैं, वो भी लगातार एक चीन की तलख हकीकत रही है। तो इस बार भी जो चीन ने किया है ये उसी सिलसिले का हिस्सा। अरुणाचल में कोई भारतीय डेलीगेशन जाता है उसे एतराज़ होता है, भारत के वहाँ पर गृहमंत्री जाते हैं उसे एतराज़ होता है। तो लगातार, और अभी उसने जो नया नक्शा जारी किया था आपको याद होगा उसमें भी उसने अरुणाचल के हिस्सों को दिखाया था। तो ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक मैसेज है और ये मैसेज को आप जब G20 से जोड़ करके देखेंगी, जिस तरह से G20 भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर के उभरा है, उसके बाद का ये दूसरा मैसेज ये कंटिन्यू बताता है कि भारत का क्या अप्रोच है और किस तरह से भारत इस मामले में किसी भी तरह की रियायत बरतने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा है। जी आशीष, आपसे भी मेरा एक सवाल ये रहेगा क्योंकि देखिए बार बार जिस तरीके से अभिषेक ने जिक्र किया नक्शे में अरुणाचल को अपना बताना, उसके बाद खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार करना, किस तरीके से असर पड़ेगा भारत और चीन के रिश्तों पर इन सब के बीच? एडवर्स असर ही पड़ेगा क्योंकि पहले भी भारत और चीन के बीच में रिश्ते बहुत तल्ख हो गए हैं और ऐसी सूरत में चीन का ये कदम उठाना, देखिए दिस गोज फार बियॉन्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म दोनों देशों के बीच में चल रहा है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के विवाद को सुलझाने के लिए और जो खास करके गलवान के बाद डिस्प्यूट्स अभी भी बचे हैं उनको सॉल्व करने के लिए चल रहा है। इस बीच आप बार बार अपना रेटोरिक दोहराते हैं, भारत एक बार नहीं कई दफ़ा कह चुका कि अरुणाचल हमारा इंटीग्रल हिस्सा है, उसको लेकर के अगर चीन बार बार इस तरह के कदम उठाएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि विदेश मंत्रालय ने आज अपने प्रेस विज्ञप्ति में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता। देयर बाई हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो 19वें एशियन गेम्स में जाने वाले थे, उन्होंने उसको बॉयकॉट कर दिया और अब अनुराग ठाकुर चीन का दौरा नहीं करेंगे। बिल्कुल आशीष, कहीं ना कहीं अब नहीं लगता है कि वो समय आ गया है जब भारत को अरुणाचल को लेकर एक कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा चीन को लेकर, चीन से? देखिए मुझे लगता है कि भारत का ऑलरेडी बहुत फर्म स्टैंड है क्योंकि हाँ। चीन बार बार मैप्स के माध्यम से, जिसका जिक्र अभिषेक अभी कर रहे थे, या समय समय पर इस तरह डिफरेंट फोरम्स पर अरुणाचल को लेकर के स्टेटमेंट्स देता रहता है। एक आध बार हमने ये भी देखा है कि बॉर्डरिंग विलेजेस से अगर कोई क्रॉस ओवर कर जाता है तो उसका इशू बना देते हैं। भारत का बहुत स्टैंड फर्म है, अरुणाचल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और सिर्फ MEA ही नहीं, आप देखिए अब से थोड़ी देर पहले हमारे फॉर्मर लॉ मिनिस्टर जो कि अरुणाचल से आते हैं, एकमात्र यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने भी बहुत स्टर्न स्टेटमेंट अपने ट्विटर पर डाल करके बिल्कुल स्पष्ट पर कहा है कि किसी भी कीमत पर भारत इस मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और चीन को टकेगा जवाब दिया जाएगा। जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और अब आने वाले समय में देखने वाली बात है क्या एक्शन और लिया जाता है। आप सभी सहयोगियों का बहुत धन्यवाद तमाम खबरों पर डिटेल से बातचीत करने के लिए, तमाम अहम जानकारी देने के लिए। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, यह आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।